हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वो एल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं में भी बहुत इंपॉर्टेंट है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, और ये एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। देखिए, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं जो है वो एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिलाक्षणिक, यानी ये विशेष रूप से एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिलाक्षणिक करेक्टरिस्टिक्स अभिक्रियाएं कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती है। कौन? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। अब योग का मतलब जुड़ना है और नाभिक स्नेही जुड़ेगा पहले, इसलिए इनको नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब देखो, इनमें ये कार्बोनिल समूह होता है एल्डिहाइड और कीटोनों में, यानी ये अभिक्रियाएं एल्डिहाइड और कीटोन क्यों देते हैं? तो इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, इसलिए इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या इस सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो आंशिक रूप से ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित रहेंगे। तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब कार्बन पर धनावेश आएगा यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित हो रहे हैं, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र है और ये नाभिक स्नेही केंद्र है। और कार्बोनिल समूह की प्रकृति अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ध्रुवीय होती है। तो ये कार्बन क्या करेगा? किसी ध्रुवीय अभिकर्मक के नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये ध्रुवीय अभिकर्मक का नाभिक स्नेही पहले नाभिक स्नेही जाकर के जुड़ेगा। अब नाभिक स्नेही कहां जाके जुड़ेगा? इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा। और कार्बन पर भी, कार्बन के पास sp2 संकरित कक्षक हैं। इस कार्बन के पास, क्योंकि ये sp2 संकरण रखता है, तो sp2 संकरित कक्षक हैं, तो उन पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो sp2 संकरित कक्षकों के लंबवत आक्रमण करता है, यानी ऊपर से और नीचे से। ये लंबवत हो गया, ये sp2 संकरित कक्षक है, ऊपर से या नीचे से। तो sp2 संकरित कक्षकों के वाले कार्बन पर जब ये न्यूक्लियोफाइल है वो नाभिकरागी आक्रमण करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, तो इस कार्बन से ऐड हो जाएगा ये, और ये कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन से ऐड, ये ऑक्सीजन, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? शिफ्ट हो जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएगा किस पर? ऑक्सीजन पर, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये आएगा शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ये पहले ही जाने की फिराक में था, कौन? पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको कोई बहाना नहीं मिल रहा था। और बहाना जैसे ही मिला इसको, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन के पास पहुंचता है तो तुरंत ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, यानी भाण तो जाऊं जाऊं करे बिरो ले बनागो। ये कार्बन के दो बॉन्ड और एक दो, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये न्यूक्लियोफाइल, ये sp2 संकरित कार्बन था और इसकी समतलीय आकृति थी, और ये क्या हो गया है? sp3 संकरित कार्बन हो गया है और इसकी चतुष्फलकीय आकृति हो जाएगी, चतुष्फलकीय आकृति। अब ये स्थाई मध्यवर्ती है, क्यों है स्थाई? क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्थाई चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता है, sp3 संकरित कार्बन होता है। ये है मंद पद, धीमा पद। और फिर फास्ट शेप के अंदर ये किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को या H+ आयन को विलयन से ग्रहण करता है और ये बना लेता है OH, और ये
एनयू, इसको कहते हैं उत्पाद। ये किस में होता है? ये तीव्र पद में होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोनों में कार्बोनिल समूह की प्रकृति ध्रुवीय होती है। ध्रुवीय प्रकृति के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है। तो ये आंशिक धनावेशित कार्बन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बेचारा क्या करेगा, इधर ऑक्सीजन खींचने में लग रहा है तो जुट जाता है कि किधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इतने में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेकर के मिलता है रास्ते में, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन और न्यूक्लियोफाइल या एनयू माइनस कोई भी हो सकता है जिस पे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर जिसके पास हो। तो ये कहता है कार्बन को, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन ये देता है न्यूक्लियोफाइल। कार्बन के इलेक्ट्रॉन, कार्बन को इलेक्ट्रॉन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल से मिलते हैं, ऑक्सीजन तुरंत इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेता है माइनस, और न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ जाता है। ये sp3, sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो गया है। चतुष्फलकीय स्थायी मध्यवर्ती है क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। और फिर विलयन से H+ ion या कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं ग्रहण करके तीव्र पद में ये उत्पाद बना लेता है, तो वो उत्पाद बन जाएगा। तो ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि हो गई। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इसको क्यों कह रहे हैं? तो देखो, न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही, एनयू माइनस क्या है यहां, नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही यहां क्या हो रहा है? एड हो रहा है, जुड़ रहा है। और नाभिक स्नेही जहां जुड़ते हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। एल्कीन देती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, याद रखना है अपने को, एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक देती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देती है। और कार्बोनिल कंपाउंड्स नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। इनमें नाभिक स्नेही पहले जुड़ता है, जुड़ाई तो है और कुछ नहीं हुआ, जुड़ गया, और बाद में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ेगा, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन को स्टार्ट किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने, इसलिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। तो ये तो उसकी पूरी क्रियाविधि हो गई। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं में एल्डिहाइड और कीटोनों की यदि तुलना करें तो कौन अधिक अभिक्रियाशील होता है और कौन कम? पहले ये बता दूं मैं आपको कि प्रबल नाभिक स्नेही आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन दुर्बल नाभिक स्नेही जहां लेंगे अपन, उनके लिए फिर अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रबल नाभिक स्नेही, प्रबल नाभिक स्नेही की उपस्थिति में आसानी से हो जाती है, परंतु यानी ये प्रबल होगा तो यहां अटैक करके इसको शिफ्ट कर देगा, रिएक्शन करवा लेगा, लेकिन दुर्बल नाभिक स्नेही के साथ ये अभिक्रियाएं, यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। यानी प्रबल नाभिक स्नेही है तो अपनी ताकत से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर देगा, लेकिन दुर्बल नाभिक स्नेही है कि जाऊं कि नहीं जाऊं यहां कार्बन पर अटैक करने के लिए, तब अपने को अम्ल उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। अब अम्ल उत्प्रेरक क्या करता है? देखो, ये कार्बोनिल अम्ल देता है H+ ion, अम्ल उत्प्रेरक, और H+ ion यहां से लोन पेयर ले लेगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ऑक्सीजन लोन पेयर है, तो ये नाभिक स्नेही की तरह बिहेव कर रही है। और जैसे ही लोन पेयर लेगी हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, यानी ये प्रोटोनीकृत ऑक्सीजन हो गई है। कौन सी ऑक्सीजन? प्रोटोनीकृत, प्रोटॉन जुड़ गया तो प्रोटोनीकृत। अब प्रोटोनीकृत ऑक्सीजन हो गई है
तो ऑक्सीजन पर आपको पता है प्रोटोनीकृत होते ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज यदि ऑक्सीजन पर है तो ऑक्सीजन आपको पता है अधिक विद्युत ऋणता के कारण पॉजिटिव चार्ज रखेगी नहीं, और तुरंत क्या करेगी, इस कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगी, और लेते ही क्या हो जाएगा, कार्बन पर प्लस आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर वापस OH, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है, पूर्णतया पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति या प्रवृत्ति बढ़ जाती है, किसके जुड़ने से, अम्ल उत्प्रेरक के जुड़ने से या अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्योंकि अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्रोटोनीकृत होती है, और ऑक्सीजन प्रोटोनीकृत होती है तो ये कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और आकर्षित करने के कारण कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और यह नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। अब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, नाभिक स्नेही आराम से यहाँ आ सकता है, कार्बन के पास कोई उपाय नहीं बचा है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रवृत्ति या प्रकृति किसकी, कार्बन की बढ़ जाती है, क्या जुड़ने से, अम्ल उत्प्रेरक के जुड़ने से। अब देखो अपन यहां देखने वाले हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिक्रियाशीलता की तुलना, यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं एल्डिहाइड आसानी से देंगे या कीटोन आसानी से देंगे। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि यहां एल्डिहाइड आसानी से देते हैं, एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कीटोनों से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि अब उसके दो कारण, एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कीटोनों से ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, उसके दो कारण हैं। पहला कारण है प्रेरणिक प्रभाव। यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, तो देखो अपने पास एल्डिहाइड जो होंगे ये ले लेते हैं, या फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं और कीटोन ले लेते हैं, चलो ये। अब अपने को जो नाभिक रागी जोड़ना है वो कहां पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे, यहां पे भी किस कार्बन पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे आंशिक नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। अब यहां देखो दो एल्किल समूह है, अब दो एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई, यहां भी प्लस आई, एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है, यहां एक एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है, यहां दो एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, इस कार्बन की तरफ। जब दो एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या कर देंगे ये दोनों, कम। ये क्या कह रहे हैं दोनों, ये इस कार्बन को कह रहे हैं हम तेरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जब ये दोनों इस कार्बन को ये कह रहे हैं कि हम तेरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, यानी दो एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण कीटोन का जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रवृत्ति कम हो जाती है। यहाँ देखो एक एल्किल समूह है, आश्वासन देने वाला क्या है, एक ही एल्किल समूह है, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह की संख्या आई, वहां दो थी यहां एक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, यानी इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रवृत्ति कीटोनों से ज्यादा होगी। वहां आश्वासन देने वाले दो समूह है कि हम दे देंगे तेरे को, तो न्यूक्लियोफाइल से क्यों लेगा, यहां आश्वासन देने वाला एक ही समूह है तो न्यूक्लियोफाइल से उसकी तुलना में ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा, यानी ये कार्बन अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ये कार्बन कम ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या है, कम, और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं ज्यादा है,
क्योंकि वहां देने वाले दो हैं, यहां देने वाला एक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दाता समूह होंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। तो ये सबसे ज्यादा सबसे कम क्रियाशील होगा, ये ज्यादा क्रियाशील होगा। अब यदि अपन यहां फॉर्मेल्डिहाइड और ले लें, ये फॉर्मेल्डिहाइड, अब यहां तो इलेक्ट्रॉन डोनर समूह है ही नहीं, तो ये कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि डोनर हाइड्रोजन को न डोनर माना जाता है न एक्सेप्टर माना जाता है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा, फिर इसकी और सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होगी इस कार्बोनिल कार्बन की। क्यों? क्योंकि यहां देने वाले समूह दो हैं, यहां एक है, यहां कोई नहीं। तो यह है प्रेरणिक प्रभाव जो कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव, क्रियाशीलता उतनी कम। तो यदि मैं नंबर दे दूं 1, 2 और 3, तो एक नंबर सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर दो नंबर, फिर तीन नंबर, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम हो जाएगा। दूसरा प्रभाव अपन देखते हैं, तो यदि मैं सिंपल बात करूं तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर, फिर अन्य एल्डिहाइड और फिर कीटोन आ जाएंगे, ये क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम हो जाएगा। दूसरा है अपना त्रिविम बाधा प्रभाव, त्रिविम बाधा प्रभाव। अब त्रिविम बाधा प्रभाव या स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट क्या होता है? जितने ज्यादा एल्किल समूह बड़े होंगे आकार में, नाभिक स्नेही के कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचने में उतनी ज्यादा बाधा उत्पन्न होगी। जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, फिर ले लिया एसीटेल्डिहाइड, फिर ले लिया एसीटोन, फिर ले लिया ये, और फिर ले लिया ये। अब इनमें यहां न्यूक्लियोफाइल में कहां तक पहुंचना है न्यूक्लियोफाइल को? कार्बोनिल समूह के कार्बन तक सब में। अब जितने ज्यादा बड़े समूह होंगे वो नाभिक रागी के आक्रमण में बाधा उतनी ज्यादा उत्पन्न करेंगे। यहां बड़े समूह है, ये चारों ओर से इस कार्बन को घेरे हुए रहेंगे, और घेरे हुए रहेंगे तो न्यूक्लियोफाइल यहां इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं पहुंच सकेगा, और यहां छोटे हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुंचना है, आसानी से पहुंच जाएगा। यहां एक मेथिल समूह है, थोड़ी मुश्किल होगी, यहां और ज्यादा मुश्किल होगी यहां तक पहुंचने में, या फिर थोड़े बड़े समूह हो गए और ज्यादा मुश्किल होगी, सबसे ज्यादा मुश्किल होगी वहां उस कार्बन तक पहुंचने में। तो जितने ज्यादा बड़े समूह होंगे नाभिक रागी का आक्रमण उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा एक नंबर, फिर दो नंबर, फिर तीन नंबर, फिर चार नंबर और पांच नंबर, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। सबसे ज्यादा जितने ज्यादा बड़े समूह होंगे क्रियाशीलता उतनी कम होंगी। तो अपन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक प्रेरणिक प्रभाव और एक त्रिविम बाधा प्रभाव, और दोनों के संयुक्त आधार पर अपन ये कह सकते हैं एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं कीटोनों से, और फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा, फिर एसीटेल्डिहाइड, फिर एसीटोन और फिर बाकी के कीटोनों का नंबर आता है। लेकिन कीटोन कम क्रियाशील होते हैं, एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि एक तो त्रिविम बाधा कम होगी और एक प्रेरणिक प्रभाव के कारण, प्रेरणिक प्रभाव कम होगा एल्डिहाइडों में तो कार्बोनिल समूह के कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति प्रवृत्ति ज्यादा होगी, कीटोनों में देने वाले समूह ज्यादा होंगे इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति प्रवृत्ति कम होगी। जैसे ये कीटोन ले लेते हैं अपन, अब ये कार्बन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल यहां आके जुड़ेगा, तो एक तो इसमें त्रिविम बाधा भी ज्यादा है, दो बड़े फेनिल समूह जुड़ रहे हैं, दूसरा ये पाईबंद इधर अनुनाद में भी है, इधर से ये भी अनुनाद में, तो ये क्रियाशीलता को क्या कर देता है, अनुनाद के कारण कम हो जाती है, और यहां क्या है त्रिविम बाधा भी ज्यादा है। तो इसकी और इसकी अपन तुलना करें तो ये कम क्रियाशील होगा और ये
ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड से अनुनाद है और दो बड़ी रिंग भी है, तो त्रिविम बाधा भी ज्यादा है और प्रेरणी के अनुनाद प्रभाव भी ज्यादा है। तो ये कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक तरफ रिंग है तो, और एक तरफ छोटा मेथिल समूह है, तो बाधा कम होगी और अनुनाद एक तरफ से ही अनुनाद है, एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ दोनों तरफ से अनुनाद है, तो ये कम क्रियाशील होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा यदि इन दोनों की तुलना करें तो। तो ये है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड और कीटोनों की तुलना।